We can do one thing. See, we can simply make a big cat face from this clay. Can you show me how to roll a ball? Yes, like this. Do this. See, yeah, you can try one more time. See, you have to make a nice ball from clay. Yes, when your ball is ready. What you need to do, you just need to press it a little bit. So now it becomes your cat's face. face. Yes, so you put it here. Okay, and now these are some decorations you can use to decorate your cat. Now, what you need to do, you can use this clay to make its tummy, its hands, legs, and tails. And then eventually, this can become also your cat's eyes. Okay. ई गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप यू आल आर डूइंग वेल सो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्ले बेस्ड एक्टिविटी जो बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखा सकती है और वो है क्ले मॉडलिंग सो क्ले मॉडलिंग आपको कौन सी एज पर बच्चे को इंट्रोड्यूस करनी है उसके स्टेप्स क्या है पहले आप सबसे पहले क्या सिखाएंगे क्ले आपको कैसी सिलेक्ट करनी है एंड एज वाइज आपको आपके बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करना है सो so, मेरी बेटी अभी नर्सरी क्लास में है इज़ थ्री एंड हाफ इयर्स ओल्ड और uh, अभी हमने सारे जो बेसिक स्टेप्स होते हैं कि क्ले को कैसे हैंडल करना है उसके छोटे छोटे बॉल्स बनाना है स्नेक्स बनाना है उसको इवेंचुअली यू नो कट करना सीखना है वो सारे ही स्टेप्स हमने सीख लिए हैं और हर एक स्टेप के पीछे हमने काफ़ी दिनों प्रैक्टिस की थी जनरली हम क्या करते हैं कि हमने इंटरनेट पे या फिर यू you नो know, कहीं पे भी देख लिया कि क्ले है जब आप ख़रीदोगे क्ले तब भी उसमें पिक्चर्स होंगे कि आपका बच्चा क्या क्या बना सकता है एंड डायरेक्टली यू नो विदाउट नोइंग साइंटिफिकली कि बच्चों के लिए डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट क्या है कौन सी एज के बच्चे कितने तक यू नो क्ले को यूज़ करके क्या क्या बना सकता है उसकी पूरी नॉलेज हमें नहीं होती और हम अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर देते हैं कि अगर आपने बटरफ्लाई का इमेज दिया है तो डायरेक्टली आप उनको दे दोगे कि आपको एक बटरफ्लाई बनाना है बट इस पूरी एक्टिविटी को हम बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं और हर स्टेप पर बच्चे को मास्टर बनवाइए जैसे कि बॉल बनाना है तो उसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करवाइए और ऐसे क्रिएशंस के इमेजेस दीजिए जहाँ पे बहुत सारे आ, बच्चे को बॉल ही बनाना है जैसे कि आ, कुछ एक हफ्ते के लिए बच्चे को स्नेक्स बनाने की प्रैक्टिस करवाइए ओके सो so, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप्स देने वाली हूँ कि क्या क्या आपको पहले कहाँ से स्टार्ट करना है दूसरा मैं आपको साइंटिफिक उसके बेनिफिट्स क्या है जैसे कि मेरी बेटी अभी ती साढ़े तीन साल की है वो अभी प्री स्कूल ईयर्स में है तो उस इस एक्टिविटी को मैं कैसे उसे यू नो बेनिफिट ले सकती हूँ कैसे कितनी कितनी जगह पे ये इम्पॉर्टेंट है जैसे कि बच्चे की हैंड राइटिंग है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमें पता है कि ये जो क्ले मॉडलिंग है इससे इवेंचुअली यू नो इट इंक्रीजेज़ देयर क्रिएटिविटी उन इट इनक्रीज देयर इमेजिनेशन बच्चे अलग अलग चीज़ें जब इमेजिन करके बनाते हैं तो यू you नो know, ये एक एक्चुअली ब्रेन डेवलपमेंट यू नो आप कह सकते हैं कि इट्स वेरी कोर्नेटिवली यू नो वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी सो बहुत सारे इसके बेनिफिट्स है इसका न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन भी है हैंड राइटिंग है इसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं सो so, इस वीडियो को अभी हम स्टार्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी और येस यू कैन हैव दिस वॉन्ट टू डू विज अक्चुअली माउंटेसरी ट्रेन माउंटेसरी टोडला एंड हमारे घर का जो एन्वायरमेंट है वो ऐसा है कि जब भी कोई एक्टिविटी होती है सो so मुझे ऐसा पता है कि ये इसका वर्क है सो आई जनरली डोंट डिस्टर्ब हर सो ऐसे बहुत सारे वीडियोस में आप देखोगे कि राइट नाउ आई एम टॉकिंग टू यू बट शी इज़ नॉट डिस्टर्ब्ड यू नो शी इज़ सो फोकस्ड इन हर एक्टिविटी तो जो लोग मुझे मॉडेसरी कंटेंट के लिए फॉलो करते हैं उनके लिए भी मैं कुछ टिप्स देने वाली हूँ कि कैसे आप अपने बच्चे को इस यू you नो know, इस टाइप के बिहेवियर तक आप अचीव कर सकते हैं इस तरह से यू you नो know, एक कंट्रोल्ड uh, बच्चा बच्चे को इतना फोकस्ड और क्रिएटिव कैसे बनाए कि वो सिर्फ अपने ही चीज़ में अटेंशन दे और उसको आसपास होने वाली चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़र्क ना पड़े तो ये जो स्टेज है बहुत मेहनत के बाद अभी मैंने अचीव कर लिया है तभी मैं आपके साथ उसके साथ वीडियो बना सकती हूँ कि उसे पता है कि वेन आई एम टॉकिंग शी इज़ नॉट सपोज टू टॉक उसे ये भी पता है कि आई एम ऑल्सो नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब ओके सो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है इसे अंत तक ज़रूर देखना और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सो दिस इज़ अवर स्टेप नंबर वन एंड दैट इज़ हाउ टू मेक अ बॉल आउट ऑफ क्ले सो बच्चों को सिंपली आपको क्ले को हैंडल करना सिखाना है उसको छोटे छोटे बॉल्स में कैसे कन्वर्ट करें और इसी के साथ यू you नो know, आपके बच्चे के जो हैंड्स के मसल्स है वो बहुत ही एंगेज रहने वाले हैं सो so आप कह सकते कि ये एक हैंड स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटी भी है नाव एज ग्रुप की बात करें तो जब आपका बच्चा ढाई साल का हो चुका है तो उसके बाद उसे इतनी समझ है कि ये टॉय है और ये खाने की चीज़ नहीं है तो जब आपको लगे कि आपका बच्चा इस तरह के मटेरियल को हैंडल करने के लिए रेडी है तब आप उनको इंट्रोड्यूस करिए और ऐसे छोटे छोटे आ, आ, बॉल्स बनाना सि, सिखाइए जिससे यू you नो know, वो ऐसे आ, उनकी जो फिंगर्स है वो भी धीरे धीरे स्ट्रेंथन होगी और इनडायरेक्टली आप उनको क्ले को हैंडल करना सिखा रहे हैं सो so, जैसे कि आपने देखा कि इस स्टेप में हमने दो टेक्निक यूज़ की है एक अपने दोनों हाथों का यूज़ करके बॉल को बनाना और दूसरा एक हाथ को यूज़ करके जो भी हार्ड सरफेस है उसके अगेंस्ट में रोल करके बॉल बनाना तो दोनों ही टेक्निक आप अपने बच्चे को सिखाइए इनडिरेक्टली हमने ये पाँच छः महीने तक ऐसे ही यू नो एवरी डे हम क्ले लेके बैठ जाते थे और इसमें से छोटे छोटे बॉल बनाते थे कई बार हम कैटरपिलर बनाते थे कई बार हम छोटी छोटी माला बनाते थे फिर वी यूज टू कंसिडर ए स्मॉल एप्पल्स इसे आप काउंटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं तो आपको स्टेप बाई स्टेप जाना है और ऐसे आप उनके हैंड्स पर काम कर रहे हो उनकी जो मसल्स है उन्हें आप स्ट्रॉन्ग बना रहे हो और इनडायरेक्टली को क्ले को हैंडल करना भी सिखा रहे हो वेन योर चाइल्ड मास्टर्स स्टेप नंबर वन दैन कम्स स्टेप नंबर टू एंड देट इज प्रेसिंग क्ले इन बिटवीन हैंड्स सो इस तरह से हमें छोटे छोटे डिस्क बनाने हैं इसमें भी आपके बच्चे के जो हैंड्स एंड फिंगर्स के जो मसल्स हैं उस पर काम होगा और ये जो क्ले को यूज़ करना उसके साथ खेलना ये जो एक्टिविटी है ना ये अपने आप में एक सेंसरी एक्टिविटी है ये बच्चे को एक अलग यू नो सेटिस्फैक्शन देता है टोडलर्स जो होते हैं ना उनमें एनर्जी बहुत होती है तो उनकी एनर्जी को भी आप अच्छे से चैनलाइज कर सकते हैं एंड देन कम्स अवर स्टेप नंबर थ्री एंड दैट इज़ टू मेक लॉन्ग लॉन्ग स्नेक्स इसमें भी बहुत ही एनर्जी लगती है और ये बहुत एक्टिव जो बच्चे होते हैं उनको बहुत ही सूट करता है माई डॉटर एस्पेशली एवरी डे शी चूज़ टू मेक लॉन्ग लॉन्ग स्नैक्स और हम अलग अलग कलर्स को यू you नो know, बना के ये कलर्स की भी प्रैक्टिस करते थे सो so, जब भी मेरी बेटी को अभी फ़ीवर है कोल्ड है उसे अच्छा नहीं लग रहा है तो भी यू you नो know, एक बहुत एक अच्छी एक्टिविटी है उनको बिज़ी रखने के लिए और इससे आप उनकी क्यूरियोसिटी भी बढ़ा सकते हैं जैसे कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूं जब भी हमने स्नेक्स बनाना सीखा था तब माय डॉटर यू नो ऑलवेज़ वंडर्स कि इससे हम और क्या क्या शेप्स बना सकते हैं तो मैं उसे स्नेल्स uh, बनाना भी सिखाती थी कि स्नेक को कैसे ऐसे रोल करना है यू you नो know, ये जो आप उनको इंडिविजुअल शेप सिखा रहे हो ना इससे आगे चल के बहुत सारी पैटर्नस वो खुद ही बना लेंगे सो एवरी डे यूज टू डू दिस हम स्नेक्स बनाते थे फिर उसको ऐसे राउंड राउंड करके कई बार हम डोनट्स बनाते थे सो दिस इज़ अ वेरी वेरी यू नो क्रिएटिव एक्टिविटी और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सो so, हमने बॉल बनाना सीख लिया डिस्क बनाना सीख लिया और स्नेक्स बनाना भी सीख लिया सो नाउ कम्स अवर स्टेप नंबर फोर एंड दैट इज़ हाउ टू यूज़ मोल्ड्स सो so, अब आप जाके बच्चे को मोल्स इंट्रोड्यूस करेंगे ये एक्टिविटी आप मेरे बहुत सारे आगे के वीडियोस में देख चुके होंगे अब जाके बच्चे को अच्छे से पता है कि क्ले को कैसे हैंडल किया जाता है और डेलिकेट वे में यू you नो know, कैसे मोल्ड को यूज़ करके एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव करना है और अच्छे से अंदर उसने जो भी ऑब्जेक्ट का यू you नो know, जो भी शेप उसको निकालना है वो अच्छे से नाउ दे हैव देयर कंट्रोल ओवर देयर ओन फिंगर्स एंड देयर ओन बिहेवियर यू नो आप नोटिस करोगे कि अगर आपने ये सारे ही स्टेप्स पर बहुत प्रैक्टिस की है तो अब अपने आ, आपका जो बच्चा है वो अपने ही क्रिएशन को बहुत संभाल, संभाल उबाल के यू you नो know, उसे निकालेगा और उनके चेहरे पर एक अलग ही स्माइल आएगी बिग दैट इज़ यू नो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन उनको सक्सेस मिलने की ये जो सेटिस्फैक्शन है दैट इज़ वेरी वेरी यूजफुल सो दिस इज़ अवर लास्ट स्टेप एंड दैट इज़ कटिंग क्ले विद द हेल्प ऑफ सीज़र सो एज वाइज मैं आपको बताऊँ तो साढ़े तीन साल के जो बच्चे होते हैं वो सीज़र को यूज़ करना सीखना स्टार्ट कर सकते हैं इससे क्या होगा कि अभी वो ट्रेसिंग कर रहे हैं यू नो प्री राइटिंग जो एक्टिविटीज़ है लिखना सीख रहे हैं पेंसिल को पकड़ना सीख रहे हैं तो इन सभी में फिंगर मोमेंट्स आप नोटिस करोगे कि ये जो सेपरेशन ऑफ फिंगर्स है ये उनको लिखने के लिए लिखना सिखाने के लिए हैंडराइटिंग इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सो so, अगर आपका बच्चा साढ़े तीन साल का है चार साल का है और वो अभी अपने राइटिंग पे प्रैक्टिस कर रहा है या फिर यू नो इम्प्रूव कर रहा है अपने हैंड राइटिंग तो फिर uh, ये एक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको सिंपली एक चाइल्ड साइज सीज़र लेनी है इससे क्या होगा uh, बच्चा बाइलेट्रल मोमेंट्स सीखेगा पहले आप शुरू में क्या करें कि एक हाथ से अपने अपने एक हाथ से क्ले पकड़ना है और आपका बच्चा उसे कट करेगा क्योंकि उनको दोनों हाथों का यूज़ करना अभी नहीं सीखा है धीरे धीरे क्या होगा प्रैक्टिस के साथ बच्चा खुद ही अपने एक हाथ में क्ले को पकड़ेगा और दूसरे हाथ से उसे कट करेगा जिसे कहते हैं बाइलेट्रल कोऑर्डिनेशन सो साढ़े तीन साल तक आपके बच्चे में बाइलेटरल कोऑर्डिनेशन आपको नोटिस करना है सो क्ले मॉडलिंग के सभी स्टेप्स को हमने डिटेल में समझ लिया है और प्रैक्टिस कर लिया है सो अब बारी है इन सभी स्टेप्स को एक साथ यूज़ करके अच्छी अच्छी चीज़ों को क्रिएट करना वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन है क्या क्या बेनिफिट्स है वो तो हमने समझ लिया कि हैंड स्ट्रेंथनिंग है हैंड राइटिंग बढ़ाती है क्रिएटिविटी बढ़ाती है यू नो बच्चे के लिए बहुत ही अच्छी प्ले बेस्ड लर्निंग है बट इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट बेनिफिट है वो है हैंड आई कोऑर्डिनेशन और वो कैसे ये समझते हैं सो so, जब भी बच्चे की आँख या फिर आप कह सकते हैं कि जो भी वो देखते हैं यू नो यूजिंग देर आइज़ सो उनको एक विजुअल इनपुट मिलता है मतलब कि क्या है कि आँख जो है वो जो भी ऐसे क्रिएशन क्ले को देखेगी और जो भी पिक्चर्स को देखेगी जो क्ले के जो बॉक्स होते हैं या फिर यू you ना know, उनको इंस्ट्रक्शन मैन्यूअल में पिक्चर्स दिए गए होते हैं वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन को जाएगी और ब्रेन फिर यू you नो know, कुछ इमेजिन करेगा और वो इंस्ट्रक्शन या फिर आप कह सकते कि ब्रेन हैंड्स को गाइड करेगा कि अब ये चीज़ हमें कैसे बनानी है यू you नो know? तो बच्चे को सब कुछ आता है बनाना बट ये जो इंटरनल उनकी जो प्रोसेस है इसे उनकी थिंकिंग स्किल्स बढ़ती है और वो जो ये सब क्रिएट करते हैं ना ये जो स्टेप है ये अर्ली चाइल्डहुड में उनके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इमेजिनेशन पावर यू नो तभी तो आप देखोगे कि अभी क्यों इतने सारे ऐसे टॉयज मिल रहे हैं जो उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ाए उनके इमेजिनेशन पावर को बढ़ाए यू you नो know? और इससे क्या होगा कि अगर आपके बच्चे को कोई टीवी मोबाइल का एडिक्शन है वो भी इस एक्टिविटी से आप काफ़ी हद तक कंट्रोल भी कर पाएंगे एंड माय लास्ट टिप इज़ फॉर मॉन्टेसरी पेरेंट्स आपको आपके बच्चे का एनवायरमेंट देखना है बच्चे के फोकस क्यूरियोसिटी और उनके अटेंशन को बढ़ाने के लिए ऐसे इन्वायरमेंट में ऐसे टाइम पर उनको एक्टिविटी सिखाइए जहाँ पे ज़्यादा कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो जिससे क्या होगा कि बच्चा इंटरेस्ट के साथ आपको सुनेगा देखेगा और खुद से एक्टिविटी को ट्राई करने की कोशिश करेगा आपने ये पांचों स्टेप को सिखा दिया है पर अगर बच्चे को एनवायरमेंट नहीं मिल पा रहा है तो फिर आपको आपको जैसा चाहिए वैसा आउटकम नहीं मिलेगा इसीलिए मॉन्टेसरी में कहा गया है डिफरेंट एनवायरमेंट डिफरेंट आउटकम हो सकता है कि घर पे आप उनको ये एनवायरनमेंट प्रोवाइड करो और स्कूल में या क्लास में अगर उनको ऐसा यू नो पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा है तो भी सेम बच्चा जो से जिसे सब कुछ आता है फिर भी यू you नो know, वो जो आउटकम है वो नहीं मिल पाएगा तो ये जो है ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर घर पर है तो पेरेंट की स्कूल में है तो टीचर की बच्चे की पोटेंशियल को पहचानना और उनको सही डायरेक्शन देना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है जितना आप उनको अच्छे से ट्रेन करोगे जितना अच्छा उनको एनवायरमेंट प्रोवाइड करोगे इतनी अच्छी तरह से उनकी जो पोटेंशियल है उसे आप नेक्स्ट लेवल पे ले जाओगे सो आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ हेल्प मिल जाए इन सारे स्टेप्स को फॉलो करना और अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे ज़रूर बताना थैंक यू फॉर वॉचिंग